नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हमारे यहां प्राचीन धरोहरों की बदहाली का आलम यह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के चलते इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि अगर देखा जाए तो ये सैकड़ों वर्षों पुरानी धरोहरें पर्यटकों को लुभा सकती हैं, और अगर इनका संरक्षण किया जाए तो इससे कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। बात कर रहे हैं पन्ना जिले की। यहाँ पर भी पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर ऐसा ही प्राचीन स्थल है जो कि 6वीं शताब्दी का माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया गया। इस स्थल को राम पथ गमन के नक्शे में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिसको लेकर लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्था की वजह से लोगों की पहुँच से दूर है। पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा यहाँ की बदहाल हालत को देखने पहुंचे और उसके बाद अब लोगों को उम्मीद जगी है कि अब यहाँ कुछ स्थिति बेहतर हो सकेगी। गर्मी में कितना पानी रहता है? यहाँ तक बनाया जा सकता है, जैसे बरसात के समय ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लंबा पार्ट बनाने में थोड़ा ज्यादा अपने को ऐसा खर्च प्रोफेसर ये यहाँ थे देवेंद्र के, उनने धोखा मतलब उसे करा दिया था। हाँ। किसी को पता नहीं चला। एक्चुअली है ना, पता ही नहीं करना पड़ेगा, अभी कचरे में पता ही नहीं करता है उसको। वो पुराना फर्म अंदर यहाँ कोई मेला वेला लगता है क्या जी? कब लगता है? महाशिवरात्रि में सर। शिवरात्रि में लगता है? महाशिवरात्रि में, और शिव पार्वती विवाह का भी प्राचीन समय से ही चला आ रहा। आसपास के गांवों के लोग आते हैं? कम से कम 30-40 गांव के लोग आते हैं। बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम इसी रास्ते से लंका के लिए निकले थे और यहीं पर रुककर रावण को नष्ट करने के लिए महर्षि अगस्त से उन्होंने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली थी और अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। इस आश्रम को अगस्त आश्रम भी कहा जाता है, वैसे सिद्धनाथ आश्रम के तौर पर ये प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भगवान शिव का जो मूर्ति है, शिवलिंग है, वो दिन में 3 रंग बदलता है। सुबह हरा, दोपहर में भूरा और रात में काला रंग बदलता है। तो इस तरीके से यहाँ कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों के लिए ये अट्रैक्शन का कारण बन सकता है, और अगर यहाँ के जाने आने का मार्ग सुलभ हो जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए। जैसा कि आपने बताया कि राम पथ गमन का जो रूट है उसमें ये भी क्षेत्र आता है, और क्योंकि ये फॉरेस्ट इलाका है, एकदम दुर्गम क्षेत्र है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए आज विजिट किया है यहाँ पर। इसकी अप्रोच रोड का एक इशू है, अप्रोच रोड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सामुदायिक पट्टे के लिए भी, क्योंकि फॉरेस्ट इलाका भी है, तो फॉरेस्ट वालों से भी बात करके इसके सामुदायिक पट्टा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका हम आगे प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि अभी इसको संरक्षण की आवश्यकता है, प्राचीन मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी जो है इस संबंध में टाइप करने के लिए हम लोग प्रयास करें। नहीं, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी इसको संचालित कर रही है, और वही चूँकि आज विजिट इसी संदर्भ में किया गया है कि इसके बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, आर्कियोलॉजी के साथ में कैसे इस पर टाइप किया जा सकता है, फॉरेस्ट के साथ में कैसे टाइप किया जा सकता है, और यहाँ का जो अप्रोच रोड है, जो नदी है, इसको क्रॉस करने के लिए व्यवस्थाएं बनाना है, या जो मेन रोड से यहाँ आने के लिए रास्ता बनाना है, इन सब मुद्दों पर हम लोग आज हमने देखा है, और आगे इस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है। चौमुख मार्ग मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, और वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास में पहले से ही है, वहाँ उस क्षेत्र में भी शिवरात्रि को मेला लगता है। यहाँ भी ज्ञात हुआ है कि शिवरात्रि के समय में लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो एक प्रकार से ये दूसरे एक दूसरे से लिंक्ड है, एक ही इलाके के हैं, और प्राचीन मंदिर हैं, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान है। इनके डेवलपमेंट के संबंध में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जो रामायण में वर्णित है कि सीता रामचंद्र जी जो यहाँ पर पधारे थे, जो चित्रकूट से होते हुए और सुदक्षिण को लेकर के यहाँ पर अगस्त जी के यहाँ आए थे, क्योंकि सुदक्षिण जी के गुरु जी अगस्त जी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आगमन किया, इसलिए इसको अगस्त आश्रम, जो यहाँ अगस्त जी रहते थे, इसलिए इसका अगस्त नाम था।
और यहाँ पर मुरादे लोगों की पूर्ति होती है, इसलिए इसको सिद्धनाथ भी कहते हैं। और यहाँ के ऐसी लोगों का कथन है कि यहाँ की जो शिव जी का जो मूर्ति है पिंड, वो तीन कलरों में होता है। प्रथम सुबह हरे हरे गहरे हरे गहरे रंग में होता है, और दोपहर में भूरे, और शाम को कुछ काले रंग। श्री राम ने यहाँ पर किस चीज की विद्या ली थी अगस्त मुनि से? यहाँ पर रावण को नष्ट करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र अगस्त जी ने दिए थे, यहीं पर दिए थे। महर्षि अगस्त जी आश्रम है, और इसको स्थानीय भाषा में सिद्धनाथ कहते हैं। ये भगवान राम वन गमन पथ जो बना है, उसमें जो शोध करता है, उन्होंने इसको 54 नंबर दिया है। यहाँ पर बेशकीमती मंदिर आपके सामने दिख रहा है, और न सिर्फ बेशकीमती मंदिर है, यहाँ पर जो पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर भगवान राम की दुर्गम अद्वितीय एवं बेशकीमती मूर्ति है, जो विश्व में कहीं नहीं है, और भगवान राम की वनवासी वीर मुद्रा की एकमात्र मूर्ति है। साथ ही यहाँ पर दक्षिण भारत के संत बेलकुड़ी कृष्णन स्वामी जी यहाँ पर तीर्थाटन के रूप में हर 4 वर्ष में श्री राम अनुयात्रा के रूप में यहाँ तीर्थाटन के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा एवं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण से ये स्थान जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और इन सब चीजों के लिए हमें हमारे प्रशासनिक अमला को और राजनीति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सबको मिलकर ध्यान देना होगा, और इसके विकास के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी इस स्थान को अस्तित्व को हम बचा सकते हैं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।